नमस्कार, मैं हूं सुकृति सलाथे और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7। सीआईडी के विशेष डीजी पर 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी रश्मि रंजन स्वैन जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी बन गए हैं। मंगलवार को डीजीपी दिलबाग सिंह ने अपनी सेवाओं के अंतिम दिन स्वैन को पदभार सौंप दिया। दिलबाग सिंह करीब 4 साल तक प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे। पुलिस के तमाम बड़े अफसरों की मौजूदगी में स्वैन ने पुलिस मुख्यालय में अपना पद संभाला। वह जम्मू कश्मीर के 7वें डीजीपी बने हैं। स्वयं को जम्मू कश्मीर में सेवाएं देने का लंबा अनुभव है। पुलिस विभाग में वह विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। शुरुआती दौर में वह एसडीपीओ कोठी भाग के रूप में तैनात किए गए थे। इसके बाद वह एसपी रामवन, एसपी कारगिल, एसपी पुंछ, एसएसपी कठुआ, एसएसपी जम्मू, एसएसपी श्रीनगर, एआईजी, पीएचक्यू और डीआईजी सतर्कता रहे। नवंबर 2006 में वह प्रतिनियुक्ति पर चले गए। जून 2020 में वह सीआईडी विंग के प्रमुख के रूप में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुए। उन्हीं के नेतृत्व में एसआईए का गठन हुआ। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस के तमाम बड़े पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7।